वंदे मातरम साथियों, राजीव भाई के आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसी पांच गलतियों के बारे में जो हमारी किडनी को ख़राब कर सकती हैं, हमारे पाचन तंत्र को ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा ये बहुत सी और बीमारियां हमारे शरीर में पैदा कर सकती हैं। तो कौन सी हैं वो गलतियां, जानने के लिए देखते हैं राजीव भाई का ये वीडियो। आप सवेरे ही सवेरे उठते हैं, चाय और कॉफ़ी पीते हैं विदेशी कंपनियों। एक चाय बिकती है हमारे देश में ब्रुक बॉन्ड, इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है लिप्टन टाइगर, ये भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है उसका नाम है ताजमहल, ये भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है उसका नाम है टी सिटी, एक है आईटीसी, एक है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये अमेरिका की कंपनी। तो इतनी सारी विदेशी कंपनियों की चाय और कॉफी आप पीते हैं, सवेरे ही सवेरे गुलामी शुरू हो जाती है। और ये चाय कॉफी क्यों पीते हैं? तो अक्सर लोग कहते हैं कि राजीव भाई उसी में तो स्मार्टनेस है। माने आज ये माना जाता है कि जो चाय कॉफी नहीं पिएगा वो बेवकूफ है, जो चाय कॉफी पिए वो बहुत स्मार्ट है। और अक्सर लोगों से मैं पूछता हूं कि क्यों पीते हैं चाय कॉफी, तो कहते हैं उसमें क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है ये किसी को नहीं मालूम। चाय और कॉफी में क्वालिटी नहीं है, जहर है। क्या जहर है जानते हैं? चाय में एक जहर होता है उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में एक जहर होता है उसका नाम है कैफीन। ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर हैं जो कैंसर कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सवेरे ही सवेरे जहर पीते हैं और कहते हैं क्वालिटी पी रहे हैं। और क्या करते हैं, खुद तो पी रहे हैं मरेंगे, मेहमान को भी मार रहे हैं पिला पिला के चाय। क्योंकि जब भी मैं किसी के घर में जाता हूं सबसे पहले पूछते हैं राजीव भाई चाय पियेंगे, मैं कहता हूं नहीं पियेंगे। कॉफी पियेंगे, मैं कहता हूं नहीं पियेंगे। तो क्या पियेंगे फिर? कोई नहीं पूछता राजीव भाई गाय का दूध पियेंगे या दही की ताक पियेंगे या लस्सी पियेंगे या नारियल का पानी पियेंगे। एक बार बंबई में मैं गया, मेरे एक परिचित हैं करोड़पति व्यक्ति, तो मैंने उनसे घर में जैसे ही घुसा तो उनकी पत्नी ने पूछा चाय कॉफी पियेंगे, मैंने कहा नहीं पीऊंगा। तो कहने लगी क्या पियेंगे, मैंने कहा नारियल का पानी पिलवा दीजिए। कहने लगा वो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहा राजीव भाई नारियल का पानी ऑफर करने में शर्म आती है, माने चाय कॉफी जैसा जहर पिलाने में शर्म नहीं आती, नारियल का पानी पिलाने में शर्म आती। मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। सच्चाई यह है कि हम में से किसी को नहीं मालूम कि चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए। चाय कॉफी पीनी चाहिए उन लोगों को जो बहुत ठंडी में रहते हैं, माने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तमाम उन देशों में भयंकर ठंडी पड़ती है। साल में 9 महीने भयंकर ठंडी पड़ती है, 6 महीने तो बर्फ जमी रहती है। उन लोगों को चाय कॉफी की जरूरत होती है क्योंकि ठंडी ज्यादा पड़ती है, और चाय कॉफी दोनों बहुत गर्म चीजें हैं। हमारे यहाँ क्या होता, हमारे यहाँ साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है। तो जिस देश में साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है उसमें और गर्म चाय और कॉफी पी रहे हैं, माने सत्यानाश कर रहे हैं। और क्या सत्यानाश कर रहे हैं? अपने शरीर का, और अपने शरीर के साथ साथ देश का। देश का क्या सत्यानाश कर रहे हैं? परदेशी कंपनियां आपके देश में चाय कॉफी बेच रही हैं। पता है क्या होता, चाय हमारे देश के किसान पैदा करते हैं, कॉफी भी हमारे देश के किसान पैदा करते हैं। ये परदेशी कंपनियां क्या करती हैं, हमारे किसानों से चाय खरीदती हैं 24 रुपए में किलो, और वो 24 रुपए किलो की चाय जो खरीदते हैं किसानों से उसको हमें बेचते हैं 125 रुपए में एक किलो। माने बीच का मुनाफा चला गया सब परदेशी कंपनियों। क्या होता है, हर साल ये कंपनियां हमारे देश में 70 करोड़ किलोग्राम के आसपास चाय कॉफी बेचते हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा के ले जाते हैं। आपको मालूम है हम एक साल में जितनी चाय कॉफी पी लेते हैं उतने में हमारे देश का 5,600 करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाता है। तो सवेरे ही सवेरे हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का 5,600 करोड़ परदेशी कंपनियों के हाथ में हम दे देते हैं, फिर कहते हैं भारत माता की जय। कहां से भारत माता जिंदा रहने वाली है? तो मैं आपसे निवेदन करने आया कि ये चाय कॉफी की अंग्रेजियत छोड़िए। तो आप पूछेंगे क्या पिए, हिंदुस्तानी बनिए, गाय का दूध पीजिए।
गाय के दूध से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं है पीने के लिए। तो आप पूछेंगे क्यों? अगर आप 5,600 करोड़ रुपए की चाय कॉफी पी रहे हैं, इतने ही पैसे का अगर गाय का दूध बिकना शुरू हो जाए इस देश में, तो कम से कम 1 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी। और 1 करोड़ गाय अगर पालनी पड़ेगी तो 25 लाख गोपालक चाहिए, क्योंकि 4 गाय एक आदमी देख सकता। तो 25 लाख गोपालक अगर चाहिए तो 25 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता, उतने ही पैसे में जितने में हम चाय कॉफी पीकर हिंदुस्तान की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप अपने शरीर को बर्बादी से बचा सकते हैं और हिंदुस्तान के 25 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं 5,600 करोड़ का अगर गाय का दूध पीना शुरू करें। और एक दूसरी बात कि अगर 1 करोड़ गाय हम पालें और उसमें से इतना दूध पैदा हो, तो हर गाय 1 साल के अंदर खड़े खड़े 25,000 रुपए का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा करती है। गोबर जो देती है उसमें से 25,000 रुपए का खाद बनता एक गाय से। तो हर साल हिंदुस्तान में 25,000 करोड़ रुपए का खाद पैदा होगा। ये 25,000 करोड़ रुपए का खाद आपके देश के किसानों के काम में आएगा, और उस खाद से जो गेहूं पैदा होगा, चावल चना पैदा होगा, उसका टेस्ट आप भूल गए हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर भर भर के आपने खेत का नाश कर दिया। तो हम गाय का दूध पिएंगे, 5,600 करोड़ का दूध बिकेगा, 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 25,000 करोड़ का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा होगा, ये सब काम इस देश में हो जाएंगे। एक छोटा सा काम आपको करना है, अंग्रेजियत को छोड़िए, चाय कॉफी बंद करिए। उसके बाद आप अगर चाय कॉफी बंद करेंगे तो गाय का दूध, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसमी का रस, ये सब पिएंगे। संतरे का रस पिएंगे तो पैसा किसान के पास जाए, मौसमी का रस पिएंगे तो भी पैसा किसान के पास जाए, नींबू का शरबत पिएंगे तो भी पैसा किसान के पास जाएगा। माने चाय कॉफी छोड़कर आप कुछ भी पिएंगे भारतीय व्यवस्था का, तो पैसा देश का देश में ही रहेगा और हमारे ही किसान के पास जाएगा। ऐसे में आपसे एक दूसरी छोटी सी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे घरों में अंग्रेजियत की टूथपेस्ट आती है, कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, ग्लीम, ग्लो, ढेर सारे टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट करने के लिए टूथब्रश भी। किसी से भी मैं पूछता हूं कि क्यों करते हैं ये कॉलगेट, तो कहते हैं राजीव भाई सांस की बदबू दूर होती और दांतों की सड़न दूर होती। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा, जब कॉलगेट नहीं होता था तो सबके दांत सड़ जाते हूं और सबकी सांस में बदबू आती होगी। एक दिन ये बात मैंने मेरे घर में पूछी मेरी दादी माँ को, मेरी दादी माँ की उम्र है 75 साल। मैंने कहा दादी माँ, तुम्हारे जमाने में तो कॉलगेट नहीं था, तो तुम्हारे दांत तो सड़ गए होंगे और तुम्हारी सांस में इतनी बदबू आती होगी कि कभी दादाजी तुम्हारे पास नहीं बैठते होंगे। तो उसने कहा कि बेवकूफ, मेरे दांत अभी तुझसे ज्यादा अच्छे। तो मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि नीम का दातुन करती, बबूल का दातुन करती। माने अगर दांत बचाने हैं तो नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन, और दांत सड़ाने हैं तो करिए कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, और एक दिन में 10-10 बार करिए। जितनी बार ब्रश रगड़ेंगे उतनी जल्दी दांत खोखले हो जाएंगे, ये आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। क्यों? जिन देशों में टूथपेस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उनमें से एक देश है अमरीका, और अमरीका में ही सबसे ज्यादा दांतों के मरीज हैं और दांतों के डॉक्टर भी हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बर्बादी आई है दांतों की, क्योंकि पेस्ट खरीदते हैं। और ये पेस्ट क्यों खरीदते हैं? अक्सर हम मानते हैं कि इनमें क्वालिटी है, दुर्भाग्य से कोई भी टूथपेस्ट में क्वालिटी नहीं है, ये जो कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस। क्यों? क्योंकि ये कॉलगेट बनाने वाली कंपनी, पेप्सोडेंट बनाने वाली कंपनियां कभी नहीं बताती आपको कि ये टूथपेस्ट बनता कैसे। कोई कंपनी अपने डिब्बे पर नहीं लिखती कि यह टूथपेस्ट कैसे बनाया। और यह भी जान लीजिए, किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट को आईएसआई मार्क नहीं है, कॉलगेट को आईएसआई मार्क नहीं, पेप्सोडेंट को आईएसआई मार्क नहीं, क्लोजअप को आईएसआई मार्क नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रद्दी किस्म के टूथपेस्ट हैं। क्यों है ये रद्दी? ये कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका जैसे टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अंग्रेजी में हम कहते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट क्या है? मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा। और हम क्या करते हैं रोज सवेरे ही सवेरे उठ के मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं और फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो रही है। बदबू दूर हो रही है कि बदबू आ रही है?
और ऊपर से क्या कर रहे हैं, ये मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक एक दूसरी चीज है टूथपेस्ट में, उसको कहते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट। इसको अगर दूसरी भाषा में कहूं तो सिंथेटिक डिटर्जेंट, और तीसरी भाषा में कहूं तो वो चीज जिससे बनता है सर्फ और रिन, माने जिस चीज से कपड़ा धोने का साबुन बनता है वही चीज डाली जाती है टूथपेस्ट। क्यों डालते हैं? झाग बनाने के लिए। हमारे यहां कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो मानते हैं कि जितना ज्यादा झाग बने उतना ही अच्छा टूथपेस्ट, तो उनसे मैं कहता हूं कि रिन से दांत साफ करिए, उसमें सबसे ज्यादा झाग बनता। ये बेवकूफी है। और एक तीसरी और खतरनाक चीज है टूथपेस्ट में, सिंथेटिक डिटर्जेंट के अलावा एक तीसरी खतरनाक चीज है, उसको कहते हैं फ्लोराइड। ये फ्लोराइड वो जहर है जिससे फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। तो हमारे देश में टूथपेस्ट बिक रहे हैं जिनमें मिलाया हुआ है फ्लोराइड जैसा जहर, जिनमें मिलाया हुआ है सिंथेटिक डिटर्जेंट जो बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अब आप बताइए कि इन चीजों में क्वालिटी है क्या? ये सब चीजें बहुत ही रद्दी चीजें हैं। तब आप पूछेंगे कि फिर क्वालिटी कहां है? बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन, बबूल का दातुन। जानते हैं क्यों? नीम एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता। हमारी प्रकृति में 3-4 ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते, तुलसी, नीम, पीपल और बड़। तुलसी को घर के आंगन में क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मिलता। नीम को घर के दरवाजे पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मिलता। उस नीम के दातुन में है ऑक्सीजन, और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की। हमें हमेशा जरूरत है ऑक्सीजन की। तो आप नीम का दातुन करते हैं तो आपको मिलता है ऑक्सीजन, और उससे भी बढ़िया एक दूसरा काम होता, जितनी देर आप नीम का दातुन चबाएंगे उतनी देर आपके मुंह में लार बनेगी, सलाइवा बनेगा, और जितना ज्यादा सलाइवा बनेगा उतना ही अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, और जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतना ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि 90% बीमारियां पेट की गड़बड़ी से होती। पेट की गड़बड़ी को दुरुस्त रखने में नीम के दातुन से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं। तो आप नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। आपको शायद मालूम नहीं है, अमरीका में, जर्मनी में इस समय कैंसर की सबसे अच्छी दवा नीम से बनती है, लेकिन अमरीका में नीम नहीं है, होता ही नहीं है वहां, जर्मनी में भी नहीं होता। तो कहां से जाता है? हिंदुस्तान से जाता है। यहां से जाता है नीम, उसमें से निकालते हैं नीम का तेल, उससे बनाते हैं दवाएं, और वो दवाएं पता है अमरीका में किस भाव में बिकती हैं? नीम से बनाई हुई अमरीका में कैंसर की एक गोली 980 रुपए की है इस समय। और अमरीका की वो कंपनी क्या सोचती है कि उनके देश में तो नीम होता नहीं, तो हिंदुस्तान में नीम होता है, तो उसने क्या किया, नीम पर पेटेंट करवा लिया। और नीम पर पेटेंट करवा के वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के उस पेटेंट को हिंदुस्तान में भी मान्यता दे, तो हमारा सारा नीम उनके कब्जे में चला जाए। आपको मालूम नहीं है बेस्ट क्वालिटी हमारे पास है? और ये मालूम क्यों नहीं है? जब से घर में ईडियट बॉक्स आया है, जिसको आप टेलीविजन कहते हैं उसको मैं ईडियट बॉक्स कहता हूं, वो कभी जाहिरात नहीं देता नीम के दातुन की। कॉलगेट की जाहिरात रोज आती है, दिन में 50 बार आती है, 100 बार आती है, लेकिन नीम के दातुन की कभी नहीं आती। जिसमें बेस्ट क्वालिटी है वही कभी नहीं बताता। और हमने भी क्या किया है कि हमारे देश में हजारों साल से ये नीम का दातुन होता आया, आज हमने मान लिया कि वो बेवकूफी है। अब स्मार्टनेस किसमें है? जानवरों की हड्डियों का चूरा रगड़ने में स्मार्टनेस, और बेस्ट क्वालिटी नीम का दातुन करने में बेवकूफी लगती है। इसलिए आप करिए नीम का दातुन, बबूल का दातुन। एक बार मैं ऐसा लेक्चर दे रहा था बंबई में, एक विद्यार्थी ने कहा, राजीव भाई आपकी बात समझ में आई, हम सब नीम का दातुन करेंगे, तो आप बताइए कि हिंदुस्तान का नीम तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 96 करोड़ लोग हैं इस देश में, सब नीम का दातुन तोड़ेंगे तो ये तो खलास हो जाएगा। तो मैंने उसको जो जवाब दिया वही आपको कह रहा हूं कि नीम खत्म नहीं होगा अगर हम एक छोटा सा काम और करें। आजकल क्या होता है, हमारे बच्चों के जन्मदिवस आते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं से केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती खरीद लाते हैं, केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं, पहले दिया सलाई से उसको जलाते हैं, फिर फूंक मार मार के बुझाते हैं। आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में दीपक कब बुझाते हैं? भारतीय संस्कृति में दीपक बुझाते हैं जब किसी की मौत होती है। हम क्या कर रहे हैं, जिसका जन्मदिन मना रहे हैं उसी के मरने की तैयारी भी कर रहे हैं।
और ये आया कहां से है? अंग्रेजियत से आया है ये तंत्र। तो इस बेवकूफी की अंग्रेजियत को छोड़िए। तो आप पूछेंगे फिर क्या करें? अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए, घी के दीपक जलाइए। बुझाते नहीं है, भारतीय संस्कृति में दीपक जलाया जाता, तो दीपक जलाइए। और एक दूसरा छोटा सा काम और करिए कि अपने बच्चे के नाम से उसके जन्मदिन पर एक नीम का पौधा लगाइए। तो आपके अगर मान लीजिए एक बच्चा है और उसके 50 जन्मदिन आए, भगवान से मैं तो कहता हूं कि 100 आए, लेकिन अगर 50 भी जन्मदिन आए तो वो 50 नीम के पेड़ लगाएगा। और हिंदुस्तान में 96 करोड़ की आबादी है, हर साल 96 करोड़ नीम के पौधे लगेंगे। और आपको मालूम नहीं है, एक नीम का पेड़ अगर 10 साल तक खड़ा रहे, उसको कोई काटे नहीं, तो 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता। तो अगर हमारे बच्चे ने 50 नीम के पेड़ लगाए अपने पूरे जीवन में, तो 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन पैदा होगी। इतना बड़ा काम होगा, और वो ऑक्सीजन काम किसके आएगी? हमारे। और नीम का दातुन हम सबको मुफ्त में मिलेगा। दातुन को कभी भी एक बार करके मत फेंकिए, एक बार किया उसको काट के पानी में डाल के रखिए, दूसरी बार भी काम आएगा। एक दातुन को मैं कम से कम एक हफ्ते चलाता हूं। एक बार मैं ये बता रहा था तो IIT का एक स्टूडेंट खड़ा होगा, कहने लगा क्या राजीव भाई उल्टी उल्टी बातें बताते हैं, एक दातुन को बार बार कैसे करें, गंदा नहीं लगता? तो मैंने कहा भाई जरा ये बता कि एक टूथब्रश को कितनी बार करता। एक बार किया धो के रख दिया, दूसरी बार किया धो के रख दिया, तीसरी बार किया धो, तो एक टूथब्रश को सालों साल करता तो गंदा नहीं लगता। नीम का दातुन दो बार कर रहा है तो थोड़ा गंदा लगता। कहने लगा राजीव भाई सच्ची में अपना दिमाग घूम गया। मैंने कहा घूमे हुए दिमाग को सीधा कर लेते। और इसलिए आप दातुन खरीदिए। जो लोग दातुन नहीं कर सकते उनके लिए एक दूसरी बात, और इसके पहले एक छोटी सी बात और। एक बार मैंने हिसाब लगाया, पूरे देश में परदेशी कंपनियों का जितना टूथपेस्ट बिकता है और टूथब्रश, करीब 450 करोड़ रुपए का है। और ये 450 करोड़ रुपया हम दे देते हैं परदेशी कंपनियों को। अगर इतने रुपए का नीम का दातुन बिके या बबूल का दातुन बिके तो जानते हैं क्या होगा? कम से कम 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप जाइए कभी बंबई में, हर स्टेशन के बाहर नीम का दातुन बबूल का दातुन बिकता, लेकिन जो बेचने वाले लोग हैं बहुत ही गरीब हैं, सवेरे से शाम तक बेचारे बैठे रहते हैं, बहुत कम लोग हैं खरीदते हैं। कि अगर सब लोग उनका दातुन खरीदें तो पैसा उस गरीब के पास जाएगा और वो उस गरीब के माध्यम से किसान के पास पहुंचेगा। तो अगर ये व्यवस्था बने तो 4 लाख किसानों को हम रोजगार दे सकते हैं। माने 4 लाख किसान हिंदुस्तान में सिर्फ नीम का पेड़ लगाकर ही रोजगार पा सकते हैं। यह व्यवस्था हम चला सकते हैं। और जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो उंगली से मंजन करें। काला दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन आता है, सबसे बढ़िया दंत मंजन नमक मीठू, वो आपके सबके घर में है। दंत मंजन क्यों करें? क्योंकि ये जो उंगली होती है दाहिने हाथ की पहली उंगली, इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेरिडियन पॉइंट है। तो जितनी देर आप उंगली से दांत साफ करते हैं, दांतों की सफाई होती है, मसूड़ों की मालिश होती है, उससे भी बड़ा काम होता है आपकी बड़ी आंत की पूरी सफाई होती है, आपको मालूम नहीं है। इसलिए हजारों साल से इस देश में उंगली से दांत साफ करने की परंपरा है। बहुत वैज्ञानिक काम है उंगली से दांत साफ करना। तो या तो उंगली से दांत साफ करिए या करिए दातुन, दोनों बेस्ट क्वालिटी है। हिंदुस्तान का 100 करोड़ रुपया बचेगा, 4 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। ऐसा ही एक तीसरा छोटा सा निवेदन, हमारे घरों में साबुन आता है लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कहने, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन वगैरह वगैरह, ये सब साबुन क्यों खरीदते हैं? एक बार मैंने एक भाई से पूछा कि लक्स से क्यों नहाते हो? कहने लगा माधुरी दीक्षित कहती। एक दूसरे से पूछा कि तुम क्यों लगाते हो? कि हेमा मालिनी कहती। तो कभी माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी कुएं में गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। कि बेवकूफी मत करिए। और मैं शायद आपको मालूम नहीं है कि माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी या कोई भी फिल्मी हीरोइन लक्स से नहीं नहाती, साबुन से नहीं नहाती। तो आप पूछेंगे मुझको कैसे मालूम? मुझको पता चला अभी कुछ दिन पहले, बंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ था जुहू में, और जुहू वो जगह है
जहां हिंदुस्तान के ये फिल्मी हीरो हीरोइन ज्यादा रहते। व्याख्यान कैसे हुआ? एक कोई फिल्मी हीरो है, उनका नाम है धर्मेंद्र। उन्होंने मेरे व्याख्यान के कैसेट सुने, मेरे व्याख्यान के कुछ 10 कैसेट निकले हैं, तो उन्होंने सुने और उन्होंने तुरंत फोन किया कि मैं राजीव दीक्षित से बात करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। तो कहने लगे आपके 10 कैसेट सुनने के लिए मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई और घर नहीं गया जब तक कैसेट खत्म नहीं हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या लगा आपको? मैं आपका एक व्याख्यान करना चाहता हूं। मैंने कहा जरूर करिए, मैं आऊंगा। क्या आपकी फीस क्या है? मैंने कहा मैं फीस नहीं लेता कभी व्याख्यान के लिए। कहने लगा अच्छा फिर तो मुझे खुशी है, आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊंगा, एक ही शर्त है कि जितने फिल्मी हीरो हीरोइन है उनको सबको बुलाइए ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो क्या हुआ, उनका एक बंगला है लोनावाला में, पुणे और बंबई के बीच में, वहां उन्होंने व्याख्यान रखा। मैं गया, ज्यादा लोग तो नहीं आए, कुछ 25-30 लोग आए थे। उनके बीच में मीटिंग हुई, बातचीत हुई, बहुत सारे सवाल पूछे। जब खत्म हो गए उनके सवाल तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं एक सवाल पूछूंगा। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कैमे से नहाती हो? नहीं। लेवल से नहाती हो? नहीं। मैंने कहा आप नहाती भी हो? तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूं, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूं। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती हैं तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता। मैंने कहा क्या डर लगता है? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाए। तो मेरी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप ये जान लीजिए कोई भी फिल्मी हीरोइन साबुन से नहीं नहाती। क्यों? उसका कारण है, जितने साबुन हैं वो बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब होता है। और आप ये चाहें तो प्रयोग करिए, साबुन से नहाइए, नहाने के 20 मिनट के बाद जब आपका शरीर सूख जाए तो नाखून से ऐसे लाइन खींचे, सफेद रंग की लाइन खींचेगी। और आजकल ठंडी का दिन है, साबुन से नहाइए, 10 मिनट बाद आपका पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाए। क्यों? उसमें जो कास्टिक सोडा है वो आपकी शरीर की त्वचा से चिपक जाता है, चाहे जितना पानी डालिए धुलता नहीं। इसलिए साबुन सबसे रद्दी चीज है। तब आप पूछेंगे बेस्ट क्वालिटी क्या है? बेस्ट क्वालिटी है मुल्तानी मिट्टी, मिलती है अभी भी इस देश में, खरीद लाइए बाजार से। क्या करें उसका? मुल्तानी मिट्टी को दही में डाल दीजिए रात को, या दही की ताक में डाल दीजिए, सवेरे तक एकदम मुलायम हो जाएगी। उसको पेस्ट बनाइए, शरीर पर ऐसे ही लगाइए जैसे साबुन लगाते हैं, और नहा लीजिए गर्म पानी से, एकदम फ्रेश हो जाएंगे आप। दूसरा तरीका, चने का आटा माने बेसन, उसमें मलाई मिलाइए, पेस्ट बनाइए, उसको रगड़िए और उससे नहाइए। तीसरा तरीका, आप जो है अपने घर में ले आइए मसूर की दाल का आटा, मसूर की दाल होती है उसको पिसवाइए, उसका आटा बनता, उसमें शहद मिलाइए, मध मिलाइए, और उसका पेस्ट बना के उससे शरीर को लगाइए और गर्म पानी से नहाइए, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। चौथा तरीका, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, अरीठा का पाउडर लीजिए, शिकाकाई पाउडर लीजिए, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाइए, डिब्बे में बंद करके रखिए, एक साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। नहाने के 20 मिनट पहले एक चम्मच पाउडर एक गिलास पानी में डाल दीजिए और उस पानी से पहले शरीर के बाल धो लीजिए, आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। और फिर उसी पानी से शरीर से नहा लीजिए, आप कोई साबुन लगाने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं सबसे अच्छा, आपके यहां अकोला में गाय के गोबर से एक साबुन बनता, और गाय के गोबर से जो साबुन बनता है, पिछली बार मैं आया था यहां से खरीद के ले गया था और मैंने मेरे सब दोस्तों को बांटा, मैं भी नहाता हूं। मैं आपको सच बताऊं कि उस साबुन से नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर में से खुशबू निकलती है। फिर एक दिन मैंने पुराने कुछ ग्रंथ खोजे तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में जब यज्ञ किया जाता था तो किसी भी राजा को यज्ञ करने से पहले गोबर से स्नान करना जरूरी होता था। भगवान राम ने भी यही किया था, जब भगवान राम ने यज्ञ किया तो गोबर से स्नान किया था, तब यज्ञ करने के लिए बैठ पाए थे। तो शास्त्रों में इसका वर्णन है, और गोबर से स्नान करना बहुत ऊंची बात है। आपके घर में अगर देसी गाय है तो उसके गोबर से आप सीधे स्नान कर सकते हैं, नहीं है तो आपके अकोला में बनता है इतना अच्छा साबुन, और अगर आप वो खरीदेंगे तो पैसा कहां जाएगा? अकोला का पैसा यही रहने वाला। और वो साबुन यहां के किसी गौशाला में बनता तो आपका दिया गया पैसा जाएगा कहां? गौशाला में जाने वाले, उस गौशाला को चलाने वाले कुछ भाइयों को रोजगार मिलेगा।
और मेरी तो कल्पना है कि ऐसी गौशालाएं गांव गांव गली गली घर घर में खुल जाए और उनमें से ये गोबर निकलेगा, साबुन भी बनेगा, दूध बनेगा, घी निकलेगा, क्या क्या नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। तो आप ये फालतू के साबुन खरीदना बंद करिए, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, अरीठा शीताकाई मुल्तानी मिट्टी के पाउडर से नहाइए, या फिर चने के आटे से नहाइए, या फिर आपके गांव में जो गोरस का गोबर से साबुन बनता है उससे नहाइए। हिंदुस्तान का हर साल हम सैकड़ों करोड़ रुपया बचा सकते हैं। ये मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। और ऐसे ही एक निवेदन और है कि कभी भी अपने घर में फेयर एंड लवली मत लाइए, क्योंकि ये फेयर एंड लवली के बारे में कहते हैं गोरेपन की क्रीम। और आप मुझे बताइए कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए। आप एक नहीं सौ फेयर एंड लवली लगाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। भगवान ने जैसा बनाया है हम बहुत अच्छे हैं, इस फालतू के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि ये सुंदर बनने का टेंशन दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है। और आप एक चीज और जान लीजिए, सुंदर लोगों को याद नहीं किया जाता, जो लोग देश और समाज के लिए काम करते हैं उनको याद किया जाता। और भारत में तो शरीर की सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता देखी जाती है। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, सबको जाना है, सबको बूढ़ा होना है। आज आप सुंदर हैं कल नहीं रहने वाले हैं, शरीर के चक्कर में फंस गए तो जीवन बेकार हो जाएगा। भारत का अध्यात्म यही कहता, इसलिए आत्मा को सुंदर बनाइए, अच्छे काम करिए, आप खुद ब खुद सुंदर होते चले जाएंगे। तो सुंदर बनने के लिए कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है, सुंदरता तो कर्म से आती है। इसलिए घर में ये कॉस्मेटिक्स लाना बंद करिए, हजारों करोड़ रुपया बचेगा। और ऐसी एक दो छोटी छोटी बातें और, कि हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने पानी बेचना शुरू कर दिया, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्सअप, लिम्का, सिप्रा। आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में पानी बेचा नहीं जाता, लेकिन यहां परदेशी कंपनियां 12 रुपए लीटर का पानी बेचती, माने गाय का दूध मिलता 10 रुपए लीटर, पानी मिलता 12 रुपए लीटर। कौन सा देश है और किस देश में आप रह रहे हैं? और ये परदेशी कंपनियों का पानी पी रहे हैं गांव गांव गली गली में। मुझे बहुत दुख होता है कि हिंदुस्तान में 2 लाख गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। आज भी करोड़ों लोगों को इस देश में पीने का पानी नहीं मिलता, और हमारे देश में कुछ परदेशी कंपनियां पेप्सी और कोका कोला बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपया कमा के ले जाती। ये पेप्सी और कोका कोला जैसी बोतलों में जानते हैं क्या है? उस बोतल पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट कंटेन्स नो फ्रूट जूस, माने उसमें किसी भी फल का रस नहीं है। तो क्या है? सिंथेटिक केमिकल्स हैं उसमें। क्या केमिकल्स हैं? सबसे खतरनाक चीज है पेप्सी कोला कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी शरीर के अंदर नहीं ले जानी चाहिए। शरीर विज्ञान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। हम बेवकूफी करते हैं, पेप्सी पीपी के कोका पीपी के उसको अंदर ले जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो और खतरनाक चीजें हैं उन बोतलों में, वो क्या है? एक है फॉस्फोरिक एसिड, एक है सोडियम ग्लूटामेट, एक है पोटेशियम सॉर्बेट, और उसमें है लेड एसीटेट। ये सब चीजें क्या करती हैं? एक साथ मिलकर ये सब चीजें किडनी फेल कर देती। जितना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे उतना ही किडनी फेल होने की गंभीरता हो जाएगी। और किडनी फेल होने का क्या कष्ट होता है, ये हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए आप। हमारे देश के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। और जब उनकी शक्ल आती है कभी कभी टेलीविजन पे या अखबारों में, तो दिखाई देता है कि उनका पूरा खून निचोड़ लिया है किसी। उनको प्रतिदिन 8 घंटे डायलिसिस पर रहना पड़ता है। और 8 घंटे डायलिसिस पे क्या होता है? पूरा खून खींचा जाता है, साफ करके डाला जाता है दोबारा। इतना कष्ट होता है अगर दोनों किडनी फेल हो जाए। भगवान की दी हुई दोनों किडनियां क्यों फेल कर रहे हैं? पीपी के पेप्सी और कोका कोला। और मेरा एक दोस्त है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टर है, उसी डिपार्टमेंट में जहां किडनी के ऑपरेशन होते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आजकल क्या हालत है तुम्हारे इंस्टीट्यूट की? कहने लगा भयंकर केसेस आ रहे हैं किडनी फेलियर के। मैंने कहा क्या तुमको लगता है? तो उसने कहा 90% केसेस वो आ रहे हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक पीपी के किडनी फेल करा रहे हैं अपने यंग एज। तो किडनी फेल हो जाए ऐसी चीजें मत पीजिए, और इनमें कुछ भी नहीं है पीने लायक। और इसलिए भी पेप्सी और कोका कोला मत पीजिए कि 70 पैसे की बोतल बनती है और 10 रुपए की बिकती है।
72 पैसे में बनता है कोका कोला, 10 रुपए में बिकता है। और आप याद करिए, हिंदुस्तान में एक सरकार बनी थी 1977 में, उन्होंने कोका कोला को भगा दिया था। मुरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो कोका कोला को भगा दिया था। क्यों? एक बार मुरारजी भाई देसाई ने कोका कोला की फाइल मंगाई थी, उस समय जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री थे। तो हुआ क्या था कि कोका कोला की फाइल मंगाई और पूछा कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या करती है, क्या बेचती है। तो पता चला कि कोका कोला कंपनी आई थी 1966 में 6.5 लाख रुपया लेके आई थी अमेरिका से, और जिस साल मुरारजी भाई की सरकार बनी थी उस साल कोका कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का था। तो मुरारजी भाई ने कहा कि करती क्या, पानी बेचती, उस पानी की हमको जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा भगाओ उसको, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। और कोका कोला कंपनी को नोटिस दिया गया और कोका कोला कंपनी ने हिंदुस्तान छोड़ा, बिना एक पैसे का मुआवजा दिए हुए कोका कोला को भगा दिया था हिंदुस्तान से। वही कोका कोला फिर घुस गया इस देश में, और उसके बाद अब पेप्सी कोला भी घुस गया। और ये क्या कर रहे हैं, एक साल में पेप्सी कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 240 करोड़ रुपए का है और कोका कोला कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 207 करोड़ रुपए का है। एक साल में इन दोनों कंपनियों का 2000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक बिकता है हमारे मार्केट में। पैसा बर्बाद हो रहा है। और पहले क्या था कि कुछ हमारी स्वदेशी कंपनियां भी थी, अब इन दोनों कंपनियों ने सबको हड़प लिया। हमारी एक कंपनी थी पार्ले जो थम्सअप और लिमका बनाती थी, वो चली गई अब कोका कोला के कंट्रोल। क्या हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए बेवकूफी में बर्बाद हो रहे हैं देश की इकोनॉमी के। हम क्या करें, पेप्सी और कोका पीना बंद करें। और कभी भी आपके हाथ में पेप्सी और कोका कोला की बोतल आए तो बोतल को मुंह से लगाने के 2 मिनट पहले सिर्फ इतना सोचिए कि मेरे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, मैं ये परदेशी कंपनी का पानी पीऊं? और तब आपके हाथ से अगर बोतल छूट जाए और गिर जाए तो आपसे बड़ा देशभक्त इस समय कोई दूसरा नहीं है। मेरे लिए देशभक्ति की अब एक ही परिभाषा है कि आप अगर विदेशी कंपनियों का माल खरीद रहे हैं और पैसा देश के बाहर जा रहा है और ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे आपकी देशभक्ति पर संदेह है। तो ऐसा काम मत करिए, हिंदुस्तान को बचाना है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां हर साल हमारे देश से 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जाती हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उल्टे बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है। तो ऐसे समय में हमको एक एक पाई बचानी है इस देश की। तो आपको मैं ये निवेदन करने आया कि अपने घर से ये अंग्रेजियत भगाइए, माने विदेशी कंपनियों के सामान खरीदना बंद करिए, और ज्यादा से ज्यादा बन सके उतने वो सामान खरीदिए जो प्रकृति से सीधे मिलते हैं, ताकि पैसा किसान के पास जाए। और ऐसे ये दूसरा आखिरी निवेदन कि ये आप अंग्रेजियत से बाहर निकलें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेलीविजन कम से कम देखें, क्योंकि ये जो टेलीविजन है ये रोज आपको उल्टी उल्टी बातें सिखाता है। मैं सिखा रहा हूं कॉलगेट मत खरीदिए, टेलीविजन रोज कहेगा कॉलगेट ही खरीदो, पर दिन में 50 बार कहेगा, 100 बार कहेगा। मैं कह रहा हूं विदेशी कंपनी का माल मत खरीदो, टेलीविजन रोज दिन में 50-100 बार कहेगा कि यही खरीदो। और ये जिसको आप टेलीविजन कहते हैं उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं। क्यों है ये इडियट बॉक्स? क्योंकि ये इडियट बनाता है। आप एक उदाहरण देखिए, टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, क्या कहते हैं, आई एम ए कॉम्प्लान गर्ल। फिर एक बेटी कहती है आई एम ए कॉम्प्लान गर्ल, इसका माने क्या, मैं कॉम्प्लान का बेटा हूं और मैं कॉम्प्लान की बेटी हूं। और कॉम्प्लान क्या है, टिन का डिब्बा। अब आप बताइए, टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं? 100% इडियोसिटी है। क्या दिखाता है टेलीविजन, लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। अब आप बताइए, अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते हैं? आज से भोजन करना छोड़िए और एक एक लाइफ बॉय खरीद लीजिए और दिन में 10-10 बार रगड़िए, सबकी तंदुरुस्ती बनी। क्या इडियोसिटी दिखाते हैं कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो बिना लाइफ बॉय लगा के फुटबॉल खेलने जाता है तो गिर पड़ता, फिर लाइफ बॉय लगा के जब फुटबॉल खेलने जाता है तो बिना गोल मारे वापस नहीं लौटता। तो मैं सोचता हूं कि लाइफ बॉय लगा के इतना अच्छा खिलाड़ी कोई हो सकता है, तो इन सब खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की फुटबॉल की टीम जब ओलंपिक में जाती है तो क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो जाती है। उस दिन मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार ने एक एक खिलाड़ी को लाइफ बॉय का एक एक पैकेट दिया होता तो 10-12 गोल्ड मेडल तो आ ही जाते कम से कम।
100% इडियोसिटी है। उस इडियोसिटी का एक उदाहरण और देखिए, टेलीविजन पे दिखाते हैं कॉलगेट का विज्ञापन, कैसे दिखाते हैं, दो पति पत्नी साथ साथ चल रहे, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती और अपनी सहेली से कहती है, कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है, सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनके घर में कॉलगेट आ जाता है, उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं, कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं, दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो पत्नी पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब आप बताइए, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। अब ये इडियट बॉक्स कह रहा है, नहीं, कॉलगेट पेस्ट पर टिका हुआ। इसलिए ये इडियट बॉक्स है। और ये इडियट बॉक्स क्यों है? अभी आपने कहा तो मुझे याद आ गया, एक विज्ञापन आता है टेलीविजन पे, घर की बड़े शान पड़ोसी की जले जान। तो इन्हें पड़ोसी की जान जलाने में पता है कैसे, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। हमारी पूरी जिंदगी इसी में घुन चक्कर हो गई कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। गया हो गया बंटाधार भारतीय संस्कृति। इसलिए मैं कहता हूं कि ये टेलीविजन देखना कम से कम करिए। और इसलिए भी कि ये जो टेलीविजन है ये हमारे देश में ना सिर्फ इडियोसिटी फैला रहा है, बल्कि भारत सरकार ने जब से ये जीटीवी, सीएनएन, एटीएन, स्टार टीवी, प्राइम स्टार, प्राइम स्पोर्ट्स, तमाम विदेशी कंपनियों को खुली छूट दे दी है हिंदुस्तान में, वो दिखा क्या रहे हैं? आपके बच्चों को वो सब दिखा रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। आपके बच्चे बैठते हैं एटीएन पर, रात दिन गाने सुनते हैं। क्या गाने सुनाते हैं? चोली के पीछे क्या है? चीज बड़ी है मस्त मस्त। अब आप बताइए कि आपका 3 साल का बच्चा, 4 साल की बेटी, 5 साल के बच्चे रोज रोज ऐसे ही गाने सुने और रोज रोज ऐसी ही चीजें देखें, तो जरा सोचिए कि वो क्या बनेंगे। क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही बात कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही करते हैं फिर। तो रात दिन आपके बच्चे अगर ऐसे ही गंदे गंदे गीत सुनेंगे, ऐसे ही गंदे गंदे सीरियल देखेंगे, जरा बताइए तो सही कि टेलीविजन के सीरियल्स कैसे हैं? कोई कहता है कि एक सीरियल आता है शांति, कोई कहता है आता है स्वाभिमान, कोई कहता है आता है बनेगी अपनी बात। इन सब में क्या दिखाते हैं? हर एक सीरियल में एक ही थीम है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। क्या दिखा रहे हैं शांति में? शादी के पहले बच्चे पैदा हो गए और शादी क्या कर रहे हैं? एक बार एक से, दूसरे बार दूसरे से, तीसरे बार तीसरे से, चौथी बार चौथे से, माने ऐसे बदलते हैं जैसे कमीज बदलते हैं। ये यूरोप में तो हो सकता है, हिंदुस्तान में ये नहीं चलता। और आपके बच्चे अगर यही सब देखेंगे, कभी कभी तो मैं डर पैदा करता हूं। आप जरा सोचिए कि हम 5 में जो कुछ दिखाया जाता है और जिस तरह के बच्चे हैं, देख देख कर अगर हम 5 आपके बच्चे भी वैसे ही हो गए तो आप सिर पीटेंगे एक दिन अपना। क्यों? जानते हैं क्यों? उसका एक कारण है, ये जो बच्चे होते हैं ये जब सीखते हैं किसी चीज को तो उसकी एक खास तरह की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? बच्चों को सबसे ज्यादा सीख अगर देनी हो तो उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए। कहानियों का बच्चों के मन पर जो असर होता है वो पूरी जिंदगी रहता है। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूं, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जब छोटे थे, बचपन में, मोहनदास करमचंद गांधी थे, तो एक दिन वो हरिश्चंद्र का नाटक देखने गए। हरिश्चंद्र का नाटक देखने से पहले उनकी मां ने उनको हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, एक बार नहीं कई बार। तो एक दिन उनके गांव में, पोरबंदर में, हरिश्चंद्र का नाटक दिखाने वाली कंपनी आई, तो उस नाटक कंपनी ने हरिश्चंद्र का नाटक दिखाया। गांधी जी वो नाटक देखकर लौटे तो अपनी मां के सामने उन्होंने 2 संकल्प लिए कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा और आज के बाद कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, आजीवन अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलूंगा।
आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।